हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड भैषज कल्पना। आज हम च्यवनप्राश बनाने की पूर्ण विधि का वर्णन करेंगे, च्यवनप्राश बनाएंगे डिपार्टमेंट में, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पे च्यवनप्राश को बना सकते हैं। च्यवनप्राश बनाने के लिए या कोई भी प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे औषध हो या आहार हो, घर में हम खाना बनाते हैं, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। जितने भी जो पात्र हैं वो अच्छे से क्लीन हो, जो भी औषधियां हैं वो प्रॉपर तरीके से हों, उसमें कोई भी ऐसे जंतु ना हो, ठीक है। इन सबको अच्छे से क्लीन करके और हम इसको क्या करते हैं कि जो च्यवनप्राश में बोले गए हैं क्वाथ द्रव्य, इन क्वाथ द्रव्य को क्या करते हैं, यवकुट चूर्ण करके एक पानी डाल के और उसको हम बॉयल करते हैं। पानी डाल के बॉयल करने के बाद हम क्या करते हैं, उसी क्वाथ में ही हम आंवले की पोटली बना लेते हैं और उस पोटली को इसी में क्वाथ द्रव्य में लटका देते हैं। और उसमें लटकाने के बाद जब हमारा क्वाथ जो है पादावशेष मतलब घट के 1/4 रह जाए, तब हम उसको अच्छे से छान लेते हैं और आंवले को निकाल लेते हैं कि वो अच्छे से पक गया है कि नहीं। फिर आंवले को हम एक लोहे की जाली पे घिस के उसको पल्प निकाल लेते हैं और उसके रेशे और बीज उसका अलग कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, क्वाथ को छान के अलग कर लेंगे और उसी क्वाथ में हम डालेंगे चीनी। चीनी डाल के उस चीज़ का हम बनाएंगे शुगर सिरप सीढ़ा दूसरी तरफ, और एक तरफ जो हम आंवले की पिस्टी तैयार किए हैं उसको घी में क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। वो रेड ब्राउन होने तक का, जब उसमें से अच्छी प्रकार से घी छोड़ने लगे तब तक हम उसको फ्राई करते रहते हैं। तो अच्छी प्रकार से फ्राई करने के लिए हमको अग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं देना चाहिए, घी की जगह आपको देसी गाय का घी यूज करना चाहिए, और रेफरेंस है कि घी और तिल का तेल मिलाना चाहिए, पर तिल का तेल मिलाने से थोड़ा टेस्ट कड़वा हो जाता है, इसकी वजह से हम घी ही डाल देते हैं बिकॉज ऑफ पैलेटेबिलिटी, ठीक है। और उसमें अच्छी प्रकार से हम इसको फ्राई करते जाते हैं, चलाते जाते हैं। जब ये पूरा रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसमें से घी छोड़ने लगेगा, तब हम इसको अलग करके रख लेंगे। और इधर छाना हुआ जो क्वाथ है, उसको क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे और उसको हम शुगर सिरप बनाएंगे। अब इसमें देखिए हमारा शुगर सिरप रेडी हो रहा है, जिसमें हमने भूरा शुगर यूज किया है, इसमें हमने कोई भी नॉर्मल रिफाइंड शुगर नहीं किया है, तो ये भूरा शुगर इसमें यूज करके हम इसकी चाशनी बनाएंगे। अब इसको हम तार टेस्टिंग कर रहे हैं कि इसमें 1 से 2 तार की चाशनी, अगर आपका ज़्यादा थोड़ा ओवर कुक हो जाएगा तो वो ठीक से बनेगा नहीं। तो जब इसमें से 1 या 1.25 तार की चाशनी बन जाए, तब हम इसको क्या करेंगे, आग से उतार लेंगे कढ़ाई को और उसी घी में जो हमने फ्राई किया था पल्प, उसमें सारे क्वाथ द्रव्य डाल देंगे। डालने के बाद उसको अच्छी प्रकार मिला देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने से इसमें हम प्रक्षेपक द्रव्य कुछ होते हैं, उन सबका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे क्या द्रव्य कितना लेना है, उसमें मिला देंगे। थोड़ा और ठंडा हो जाए तब हम उसमें हनी मिला के और खूब अच्छी प्रकार से उसको चलाते हैं, और ठंडा होने के बाद उसको बोतल में भर के रख लेते हैं।